भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। इस तरह के 15 देशों ने एक सर्वोच्च सम्मान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया है। यह बढ़ती हुई भारत की ताकत है। आपके बीच में जो हमने वादा किया है, हम हर वायदे को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और हर वायदे को पूरा करेंगे, ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। हम गांव-गांव में गए थे और हम गांव-गांव में जाकर के हमने हर विधानसभा की समस्याओं को भी देखा था और उन समस्याओं को भी हमने एकत्रित किया था। इसलिए किया था कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आएगी तो उन समस्याओं को समाधान करने की हम बात करेंगे। मैं आपको आज यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कहना था, आपने देखा होगा अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। यह हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है। यह देश के स्वच्छ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनाने की झलक देता है कि रूस ने सर्वोच्च सम्मान से उनको नवाजा है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, इस तरह के 15 देशों ने एक सर्वोच्च सम्मान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया है। यह बढ़ती हुई भारत की ताकत है और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी उस नरेंद्र से लेकर के ये नरेंद्र तक आपको होता हुआ दिख रहा है। ये हमारे गर्व और स्वाभिमान की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और वसुदेव कुटुंब की भावना जिस तरह से है उसे लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे घोषणा पत्र के अंदर कोई भी बात आती है, अगर इस देश में कोई सच्चा राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने भी नारे दिए हैं और ये आज की बात नहीं है, 1952 के पहले चुनाव की बात है जिसमें हमारे उन मनीषियों ने नारा दिया था कि जब भी हमारी केंद्र में सरकार आएगी हम धारा 370 हटाएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे। आपने देखा कि वो नारा हमारा कितने दिन तक चला, लेकिन हमारे उस घोषणा पत्र संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके बीच में हम जिस विषय को लेकर के गए हैं, आपके बीच में जो हमने वादा किया है, हम हर वायदे को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और हर वायदे को पूरा करेंगे। ये हम जनता को विश्वास